याद रखिए, राम जी अवतार किस दिन लिए? हम युगांडा में बैठे का हो? राम जी अवतार किस दिन लिए? श्री राम नवमी के दिन। इतना तो कह दीजिए सीधा सीधा, और डिटेल में जाइए तो चैत्र मास कौन पक्ष, शुक्ल पक्ष तिथि कौन, नवमी तिथि दिन कौन, मंगलवार का, भौमवार, भौमवार यानी मंगलवार। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मंगलवार के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिया। मानस जी का अवतार क्या हुआ? जे ही दीन राम जन्म श्रुति का, जे ही दीन राम जन्म श्रुति का, तीरथ सकल कहाँ चली आ, संबत सूर से एक तीसा, संबत सूर से एक तीसा, करम कथा हरि पद धरि, भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, स्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में। संबत कौन सा? 1631 में। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा वही, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और संयोग देखिए, हर साल राम नवमी के दिन मंगलवार नहीं पड़ता, लेकिन संबत 1631 में जिस दिन वेद भगवान राम जी के अवतरण की तिथि बताते हैं, देखिए बादल गरज रहा है ऊपर, बादल गरजने लगा हो। रामनवमी के दिन उस दिन कौन सा वार था? नवमी भौम वार मधुमा, मंगलवार का दिन नवमी तिथि, चैत्र मास शुक्ल पक्ष संबत 1631। स्थान क्या है? श्रीधाम अयोध्या। और नवमी के दिन अयोध्या की आपको एक विशेषता मैं बताऊं, आप लोग ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में ही है, मध्य प्रदेश में। आप दुनिया का सारा तीर्थ करने जाइए, लेकिन एक ऐसा उपाय है माए बाप, जहां एक ही स्थान पर चले जाइए तो ब्रह्मांड के सारे तीर्थ का दर्शन हो जाएगा और सभी तीर्थों में जाने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। वो स्थान क्या है और कब है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, दिन भगवान के जन्म की तिथि आती है अयोध्या में। अयोध्या में क्या होता है? तीरथ सकल तहां चलिया, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं
सारे तीर्थ अपने को कृतार्थ करने के लिए रामनवमी के दिन अयोध्या जी में आके सरजू जी में गोता लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। उसी दिन संबत 1631 में श्री रामचरित मानस जी का प्राकट्य हुआ। जिस दिन रघुनाथ जी अवतार लिए उसी दिन मानस जी ने भी अवतार लिया है, इसलिए भगवान का अवतार है वांगमय स्वरूप है। मानस जी को किताब न समझिएगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो कोई भी परीक्षा देने के बाद राम सलाखा खोल के बैठ जाते थे। पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए, और पेन लेके आंख बंद करके लिख के गिनना शुरू करते थे। तो वास्तव में जो परीक्षा अच्छा गया रहता था तो उसमें उत्तर आता था कि प्रश्न आपका उत्तम है, कार्य पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। आज आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा छांटबाजी किए रहते थे वहां आता था कार्य पूर्ण होने में संदेह है। आप लोग भी किए होंगे, राम सलखा है मानस जी में, ये भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। इसलिए यदि विश्वास हो गया कि ये भगवान का रूप है और आप इनके संपर्क में आ गए तो ये कथा ही आपके और हमारे जीवन में धर्म की स्थापना कर देगी। यही कथा का हेतु है और उनका उद्देश्य है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। मानस जी में श्री रामचरित मानस जी आपसे सुनते रहते हैं कथाओं को, अनेक महापुरुष गाते रहते हैं। चार घाट हैं, कितने घाट हैं? चार। और आपसे निवेदन करूं चारों स्थानों पर कथा चल रही है भगवान की, लेकिन कथा प्रारंभ कैसे भाई? दो स्थान पर ज्ञान के प्रभाव से कथा हो रही है और दो स्थान पर जिज्ञासा के कारण कथा हो रही है। मानस के चार घाट, पहला घाट है शरणागति घाट, जहां वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता है गंगा मैया, और कहें संत समाज, और कहें तो गोस्वामी जी का अपना निज मन। यहां ज्ञान में अवस्थित होकर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। ज्ञान में अवस्थित यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है ये जान करके स्वीकार कर लेना, यही ज्ञान है। किताब पढ़ना ज्ञान नहीं, वो जानकारी है। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, जहां पर वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। यहां जिज्ञासा ने कथा को प्रारंभ कराया, हम पहुंचेंगे उस विषय पर। तीसरा घाट है कैलाश, जहां पर वक्ता है बाबा, श्रोता है मैया, यहां भी जिज्ञासा ने कथा प्रारंभ कराया। और चौथा घाट है भक्ति घाट नीलगिरी पर्वत, जहां पर वक्ता है श्री कागभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है पक्षीराज श्री गरुण जी महाराज। यहां जिज्ञासा ने नहीं, यहां तो तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, एक ही काम कागभूषुंडी जी का दिन रात कथा गाते रहते हैं। क्यों? जानते हैं भजल से। क्या जानते हैं कागभूषुंडी जी? अरे भजल से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है। अरे भजन कर कनौडिया जी, बहुत कर लिए, अब भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना।
राम भजा होई तमन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना राम भजा होई तमन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना भोले बाबा मैया जी अनुभव कहे हे भवानी सत हरि भजना जगत सब सपना सत हरि भजना जगत सब सपना यही से राम भजा राम भजा करके रसोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना राम भजा करके रसोई हो जगतिया में कोई कही गईले गोसाई बाबा राम कथा गाए के कही गईले गोसाई बाबा राम कथा गाए के राम के भजन कर तू मनवा लगाए के राम के भजन कर तू मनवा लगाए कलयुग से निस्तार तब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कलयुग से निस्तार तब होई हो जगतिया में कोई भजन कर होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन कर तब बेड़ा पार होई हो जगतिया में कोई नहीं इसी को कहते हैं ज्ञान क्या नित्य है और क्या अनित्य है क्या सत्य है क्या असत्य है ये जानना ज्ञान नहीं है जान करके मान लेना ज्ञान है आप समझिएगा जानना अलग विषय है अब मानना बिल्कुल अलग विषय है अच्छा ये बताओ आप में से के नेखे जानत के एक दिन मुहे के बा समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं मरना है भोजपुरी में कहते हैं मुहे के बा मरना है ये बात कौन नहीं जानता है कहिए कोई है हाथ उठाए जो जानता है कि मरना नहीं है सब जानते हैं मानता कौन कौन है वो बाबूजी हिम्मत करके हाथ उठाए हैं
सामने देखिए, इनके लिए ताली बजाइए एक बार। क्यों? जो जान जाएगा कि एक दिन जाना है, वो पटीदार से एक बित्ता जमीन के लिए केस नहीं लड़ेगा। जो जान जाएगा कि जाना है, वो दूसरे का खेत चालाकी करके अपने नाम में नहीं चढ़ाएगा। जो जान जाएगा कि जाना है, वो किसी से विवाद नहीं करेगा, हो वो संवाद में लगा रहेगा। विवाद करेंगे तो अड़चने आएंगी, संवाद करेंगे तो भगवान की कथा निकलेगी। वो संवाद में पड़ेगा, विवाद में नहीं पड़ेगा। इसलिए जानना बिल्कुल अलग पक्ष है, और जान करके उस बात को स्वीकार कर लेना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। ज्ञानी कौन? जो जान करके मान ले वो ज्ञानी। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से बताए थे, राम जी वहां सोए हैं मैया के साथ कुशा की चटाई पर, यहां लक्ष्मण जी जहां बिना है वहां लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, बगल में निषाद राजगुह बैठे हैं। निषाद राजगुह इसलिए रो रहे हैं, बताओ, दूध से, दूध के सफेदी से अधिक सफेद बिस्तर पर, मुलायम बिस्तर पर सोने वाली जान की मैया आज कुशा की चटाई पर सोई है जंगल में, जिनके ससुर चक्रवर्ती जी महाराज है, जिनके पति रघुनाथ जी हैं, वो जानकी जी आज कुशा की चटाई पर सोई है। ये सोच के निषाद जी रोने लगे। लक्ष्मण जी समझाने लगे, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा अबेगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी से बोले कि निषाद जी राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप है। और असली परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद ने हो, सखा परम परमार्थ ए हो। मन से, वचन से, व्यवहार से ये जो राम जी सोए हैं, इनके श्री चरणों में प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। किससे बताया गया ये बात? निषाद राजगुरु से। किसने बताया? लक्ष्मण भैया ने। आप दर्शन करिए, जहां विनय बैठे हैं वहां लक्ष्मण जी बैठे थे, आई पंडित जी के पास निषाद जी बैठे थे। ये केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं। वहीं बगल में पर्दा के पास केवट भैया हाथ में धनुष बाण लेके अब पहरे में खड़े थे। खड़े तो हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और निषाद जी की सब बात सुन रहे थे। और खड़े खड़े सुन लिया केवट जी ने कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, और जीवन का असली परमार्थ राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही असल परमार्थ है। और आप दर्शन करिए, निषाद जी केवल सुने थे, जाने थे, केवट जी जाने, और जानने के बाद उसको मान भी लिए। इसलिए कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव ननाथ उतराई। जो कार्य केवट भैया ने किया वो कार्य निषाद राजगुह भी कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं? प्रभु आपका पांव धोना चाहता हूं, राम जी मना करते? नहीं करते। लेकिन निषाद जी केवल जाने थे, माने नहीं थे, और केवट भैया जान करके मान लिए। इसलिए जो कार्य राजा नहीं कर पाया, उनका सेवक उनके सामने करके दिखा दिया, और भगवान के पांव को पखार कर पी गए केवट। ये है ज्ञान। तो चार घाट में से दो स्थान पर ज्ञान से कथा प्रारंभ हुई। क्या नित्य है, अनित्य है जानकर कहा? श्री
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं और नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज कथा गाते रहते हैं इसी इसी भाव में। लेकिन जो दो घाट है उन दो घाटों पर जिज्ञासा ने कथा को जन्म कर दिया। पहुंचते तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क ऋषि से मन की जिज्ञासा रखी, राम कवन प्रभु पूछा तो हे राम कवन। भरद्वाज जी का प्रश्न था कि राम जी कौन है, और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क ऋषि ने कथा को प्रारंभ की। जीवन में यदि भगवत कथा सुनना चाहते हैं तो सकारात्मक प्रश्न करने का स्वभाव रखिए, जिज्ञासा रखने का प्रभाव रखिए, जानने का भाव रखिए। किसी महापुरुष के पास बैठिए तो ये ना पूछिए कि नया बिजनेस शुरू किया हूं कब से लाभ शुरू होगा। हम लोग भोपाल एक कथा में थे पूज्य महाराज श्री के साथ, तो एक एक माई आई आकर सामने बैठी तो हट्टी कट्टी थी। महाराज जी बोले, मैया बताओ। महाराज पेट में बहुत दर्द है मेरे, हम क्या करें। महाराज जी बोले, डॉक्टर के पास जाओ। नहीं महाराज, आप फूंक दो। बगल में मैं बैठा था, महाराज से हमारे मुंह देखे। महाराज जी पूछे, बाबू कैसे फूके कि इनका दर्द चला जाए। ये भ्रम से बाहर रखिए। देखिए, आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहने जा रहा हूं, शरीर में व्याधि हुई है तो वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर साहब के पास जाइए। शरीर में व्याधि हुई है तो दवाई से ठीक होगी, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु कृपा करिए कि ये दवा हमारे पर असर कर जाए। लेकिन उसको डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, हम फूंक के ठीक नहीं करेंगे। और यदि किसी के फूंकने से ठीक हो रहा है तो उसके फूंकने से ठीक नहीं हो रहा है, आपका प्रारब्धता ठीक हो जाना इसलिए ठीक हो गया है, आपका प्रारब्धता काम होना इसलिए हो गया है। किसी भी संत के पास जाइए ना महापुरुष के पास, तो कहते रहिए, प्रश्न करिए, प्रभु जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, समस्याओं के आने के बाद भी भगवान के प्रति विश्वास में कमी न हो, इसका उपाय हमको बता दीजिए। कितना भी विघ्न हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम कम न हो, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन का व्यापार करते करते भगवान की स्मृति कैसी बनी रहे, इसका उपाय बता दीजिए। ये प्रश्न है पूछने लायक। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन है, क्या मैं जिन राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई और राम है, मेरे वाले कोई और राम, ये मेरा प्रश्न है। याज्ञवल्क ऋषि बोले, कैसे कथा सुनाऊं, छोटे में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं। भरद्वाज जी बोले, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी ने पूछा कि, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि भरद्वाज जी क्या करूं। बोले, जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। बोले, आपका भ्रम कैसे समाप्त होगा। बोले, भगवान की कथा विस्तार से हमको सुना दीजिए, ये कथा ही जीवन के भ्रम को समाप्त कर देगी। भरद्वाज जी की चतुराई समझ गए याज्ञवल्क्य जी। और दर्शन करिए, जब वास्तव में श्रोता प्राप्त हो जाए, श्रोता, श्रोता कौन, जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहे, तो ऐसे श्रोता को प्राप्त करके, कथा सुनकर श्रोता को जितना आनंद नहीं आता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा सुना करके प्राप्त होता है। ए याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप, मैं समझ गया आप
जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए। तुम ही विदिता रघुपति प्रभुता, राम भगत तुम मन क्रम बाणी, राम भगत तुम मन क्रम बाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जा, राम गुण गूढ़ा चाहो सुने, राम गुण गूढ़ा किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा, किन्हीं हूँ प्रश्न मन देखिए जो बड़ा है ना वो सब प्रकार से बड़ा है, तकनीक लगा के बड़ा नहीं हुआ जा सकता है, आचरण से बड़ा हुआ जा सकता है, है? दिमाग लगा के हम बड़े हो जाएं तो बड़े होने वाले नहीं है, है? जो बड़ा है वो हमारे सब भाव को समझता है। महेश भैया पहले हम जब कथा प्रारंभ किए थे तो कई लोग प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नहीं आते थे, हमको जानने के लिए आते थे कि देखल जाओ महाराज के कितना जानकारी है। आके प्रश्न पूछे थे महाराज सुदामा जी के बाबूजी का नाम क्या था, हम तो इतना परेशान हो गए इस प्रश्न से, जो आवे ये पूछे सुदामा जी के बाबूजी का नाम, हमने कहा भैया राम कथा में सुदामा जी कहां से चले आए, आ भी गए तो उनसे मतलब रखिए, उनके बाबूजी से पीछे क्यों पड़े हुए हैं। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क ऋषि को यह समझते विलंब नहीं लगा कि ये वास्तव में राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ कथा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के मेरे सामने बैठे हुए हैं। और ये प्रसंग कहता है कि कुछ प्राप्त करना हो तो उसके पहले स्वयं को रिक्त मानना पड़ेगा। संत भैया जब तक आप अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक पूर्ण नहीं हो पाइएगा, और यदि पूर्ण मान चुके हैं तो जहां भी जाइएगा वहां से रिक्त लौटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, सब ओवरफ्लो कर जाएगा। इसलिए यहां पर याज्ञवल्क ऋषि से भरद्वाज जी अज्ञान की भांति प्रश्न करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु आप बताइए राम जी हैं कौन। याज्ञवल्क जी बोले मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले महिमा सुन लीजिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है।
श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जाए। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा शश किरण समाना संत चकुर करहि जे पारा, राम कथा शश किरण समाना संत चकुर पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चाह अथवा दो काम निर्वाण, पहला काम राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चाह, दोनों के लिए कहीं उपाय, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, अरे भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान, जय जय राम कथा, जय श्री राम। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री याज्ञवल्क ऋषि श्री भरद्वाज जी से कहते हैं मुनिवर, महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये रघुनाथ जी की कथा काली मैया के समान है।